नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 16 दिसंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। एसएससी सीएचएसएल भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ी। कर्मचारी चयन आयोग ने सीएचएसएल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 19 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 21 दिसंबर तक ऑनलाइन फीस जमा कराई जा सकती है। नए शेड्यूल के मुताबिक चालान के जरिए फीस जमा कराने की अंतिम तारीख 24 दिसंबर 2020 है। पहले आवेदन की अंतिम तारीख 15 दिसंबर तय की गई थी। पिछले एक सप्ताह से एसएससी सीएचएसएल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए आवेदन करना चाह रहे अभ्यर्थियों को अप्लाई करने में तकनीकी दिक्कतें आ रही थी। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12वीं पास कर चुके युवा इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीतामढ़ी के सनातन धर्म पुस्तकालय में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। सनातन धर्म केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना पहले पेठिया रोड मिर्चाई पट्टी के गली में एक छोटे से कमरे में 25 पुस्तकों के साथ वर्ष 1917 में की गई थी, लेकिन आज डुमरा में स्थापित इस पुस्तकालय में करीब 35,000 पुस्तकों का संग्रह है, जिसमें करीब 38 विषयों की पुस्तकें शामिल है। यह पुस्तकालय साहित्यकारों के लिए ज्ञान का खजाना कहा जाता है। बिहार में कोरोना के मिले 500 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 572 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,44,245 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 162 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर में 39 तो नालंदा में 41 मामले सामने आए हैं। बिहार के 5,013 पंचायतों में ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के सर्वे का जारी किया गया आदेश। सूबे में चल रहे मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की जांच बिहार सरकार ने करवाने का फैसला लिया है। 4 साल में लागू इस योजना के तहत हर घर में प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन लगभग 70 लीटर शुद्ध पानी उपलब्ध कराना था। मिली जानकारी के अनुसार सरकार के आदेश के बाद अब सभी जगह पर सर्वे कर योजना को प्रगति देने, साथ ही उसकी गुणवत्ता की जांच कराए जाने की मांग की गई है। राज्यभर में योजना में गड़बड़ी की शिकायतों के बीच राज्य सरकार ने सभी 29 जिलों के 5,013 ग्राम पंचायत में सर्वे का आदेश जारी किया है। सेहत के लिए फायदेमंद काले गेहूं की खेती भागलपुर में हो रही है पहली बार। काले गेहूं का स्वाद अब भागलपुर वासी भी चखने वाले हैं, जिसके बाद पहली बार किसान काला गेहूं की खेती कर रहे हैं, जो कि लगभग 150 दिनों में तैयार हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, काले गेहूं की जैविक खेती का निबंधन राज्य सरकार से कराया गया है, जिसके बाद कहलगांव, शाहकुंड, गोराधी आदि प्रखंडों के आधा दर्जन से अधिक किसान पहली बार इसकी खेती कर रहे हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के पौधा प्रजनन विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. चंदन राय ने बताया कि काला गेहूं में एंथोसियानिन नाम के पिगमेंट होते हैं। एंथोसियानिन की अधिवक्ता से इसका रंग काला हो जाता है। एंथोसियानिन नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट भी है, इसी वजह से यह सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। नेशनल हाईवे की 3 बड़ी सड़क की परियोजनाएं इसी महीने होंगी पूरी। सड़क की 3 अहम परियोजनाओं का काम इसी महीने पूरा होने वाला है। पटना, नालंदा, शेखपुरा, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी जिले के इन सड़क परियोजनाओं का काम लगभग पूरा हो चुका है। इन सड़कों के पूरा होने से पटना सहित चारों शहरों में जाम की समस्या, आम नागरिकों को निजात मिलेगी। सिर्फ इलाके के लोगों को ही इसका फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि बिहार से झारखंड जाने में भी काफी ज्यादा सुविधा मिलेगी। पूरी होने के साथ ही ये 3 सड़कें परियोजनाएं नेशनल हाईवे की है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से इसका निर्माण कार्य चल रहा है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे प्रियंका चोपड़ा की। प्रियंका चोपड़ा का जन्म 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर में हुआ था, जो कि तब बिहार का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए प्रियंका को बिहार की बेटी भी कहा जाता है। प्रियंका ने बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने साल 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था। इसके साथ ही प्रियंका बॉलीवुड में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली अभिनेत्रियों में से एक है। उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 श्रेणियों में फिल्मफेयर अवार्ड भी मिल चुके हैं। स्नातक छात्राओं को जल्द ही मिलेगी 50,000 की प्रोत्साहन राशि। बिहार सरकार की तरफ से स्नातक कर रही छात्राओं के लिए फैसला जारी किया गया है। इस फैसले के मुताबिक स्नातक की छात्राओं को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्ताव वित्त मंत्री को दे दिया गया है, जिस पर हालांकि अभी मंजूरी आना बाकी है। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्ताव पर मंजूरी देने के बाद ही छात्राओं के बैंक अकाउंट में रुपए की ट्रांसफर की जाएगी। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि अगर बिहार में फिर से उनकी सरकार बनी तो वे छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करेंगे।
बिहार के अस्पतालों के स्वास्थ्य सुविधा की पोल खोलते ही सिविल सर्जनों की लगी क्लास। बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने अपना निर्देश जारी करते हुए सभी 38 जिलों के जिलाधिकारियों से विभिन्न अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर दिया है। निरीक्षण के दौरान ही सरकारी जिला एवं अनुमंडलीय अस्पतालों में एक्सरे और सीटी स्कैन की सुविधाओं और साफ सफाई में कमी पाई गई है। इसी निरीक्षण के फीडबैक के आधार पर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलों के सिविल सर्जन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक कर खूब फटकार लगाई है। सिविल सर्जन को जल्द से जल्द स्वास्थ्य सुविधाओं को बहाल करने और अस्पतालों में साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। अब डिग्री कॉलेज को स्नातक पाठ्यक्रम के लिए मिलेगा ऑनलाइन एफिलिएशन। बिहार के डिग्री कॉलेज को स्नातक पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन एफिलिएशन मुहैया करवाए जाएंगे, जो कि शैक्षणिक सत्र 2021 से 24 से लागू होने वाली है। गौर करने की बात हालांकि ये है कि राज्यों में वर्तमान में संबंधित डिग्री कॉलेज की संख्या कुल मिलाकर 27 है। ये सभी कॉलेज राज्य में स्थापित विभिन्न विश्वविद्यालय मसलन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी, एलएनएमयू पूर्णिया यूनिवर्सिटी, तिलंगवांझी भागलपुर और मुंगेर यूनिवर्सिटी के अधीन संचालित है। आपको बता दें, इस नई व्यवस्था में आवेदन से लेकर मान्यता प्रदान करने तक की प्रक्रिया शामिल होगी। बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा की डेट शीट में हुआ बदलाव। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 की तारीख में बदलाव किया गया है, जिसके तहत बोर्ड ने अपना आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया है कि अब इस परीक्षा का आयोजन 1 फरवरी से लेकर 13 फरवरी 2021 तक करवाया जाएगा। पहले यह परीक्षा 3 फरवरी से 13 फरवरी तक आयोजित किए जाने को प्रस्तावित थी। इस बाबत बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया था कि अपरिहार्य कारणों से वार्षिक परीक्षा के तीनों संकाय की परीक्षा तारीख में परिवर्तन किया गया है। पहले दिन भौतिक विषय की परीक्षा ली जाएगी, वहीं प्रायोगिक परीक्षा 9 से 18 जनवरी तक चलेगी। इसकी जानकारी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेज दी गई है। पटना हाईकोर्ट ने एसटीईटी 2020 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी नहीं करने पर मांगा जवाब। पटना हाईकोर्ट ने एसटीईटी पुनः परीक्षा के लिए बोर्ड की तरफ से 106 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड नहीं जारी करने को लेकर जवाब मांगा है, जिसके तहत उनसे यह पूछा गया है कि परीक्षा जब रद्द हो गई है तो इन 106 अभ्यर्थियों को इसमें क्यों शामिल नहीं किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से 21 जनवरी 2021 तक जवाब मांगा है। पुनः परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं करने पर इन्होंने याचिका दायर की थी। नीतीश कैबिनेट ने 20 लाख बेरोजगारों को अगले 5 साल में रोजगार देने की कही बात। सीएम नीतीश कुमार ने बीते दिनों कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। कैबिनेट मीटिंग में 15 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। हालांकि बीते दिन की बैठक में सबसे खास बात यह है कि चुनाव के दौरान भाजपा की तरफ से जो वादे किए गए थे उस पर अमल करने की कोशिश की गई है। बिहार में अगले 5 साल तक रोजगार सृजन के लिए विभिन्न संस्थाओं का सृजन किया जाएगा, साथ ही 20 लाख रोजगार का सृजन 5 साल तक किया जाएगा। फ्री में टीका को लेकर सहमति बनी है। युवाओं को व्यवसाय से जोड़ने के लिए 50% अनुदान देने पर फैसला लिया गया है। अविवाहित महिलाओं को इंटर पास के लिए 25,000 का अनुदान दिया जाएगा। शिक्षक बहाली में सीटीईटी पास अभ्यर्थियों को लगा झटका। राज्य में शिक्षा बहाली प्रक्रिया को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे कि सीटीईटी के कई अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। मिली जानकारी के अनुसार पटना हाईकोर्ट ने राज्य के प्राइमरी स्कूल में बड़े पैमाने पर होने वाले शिक्षक बहाली के मामले में फैसला देते हुए स्पष्ट तौर पर कहा है कि 23 नवंबर 2019 के पहले सीटीईटी परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी ही बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे। दरअसल यह मांग की गई थी कि नवंबर 2019 के बाद सीटीईटी परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को भी बहाली प्रक्रिया में मौका दिया जाए, क्योंकि राज्य सरकार ने एक आदेश पारित करते हुए कहा था कि दिसंबर 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग नहीं ले सकते हैं। बिहार का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में बनकर हुआ तैयार। बिहार का प्राकृतिक सौंदर्य में अब नए साल में बिहारवासियों को नए नए सौगात मिलने वाले हैं। वहीं राजगीर वासियों को एक नया तोहफा मिला है, जिसके तहत बिहार का पहला ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। पार्क इतना अत्याधुनिक और शानदार बनाने की तैयारी हो रही है कि यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे आधुनिक जू सफारी पार्क होगा, जहां पर तरह तरह के जीव जंतु होंगे। नालंदा के बिहार समेत पूर्वोत्तर भारत के लिए यह खुशखबरी की बात है। राजगीर में बने जू सफारी को सेंट्रल जू अथॉरिटी ने भी मान्यता दे दी है। इसके साथ साथ ही नए साल यानी 2021 में इसे आम जनता के लिए खोला जा सकता है।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 300 डाकघरों में की जनसेवा केंद्र की शुरुआत। डाक विभाग की तरफ से राज्य के 300 डाकघरों में जनसेवा केंद्र की शुरुआत कर दी गई है, जिसके बाद बीते दिन दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद की तरफ से इसकी शुरुआत कर दी गई है। इतना ही नहीं, अगले साल मार्च तक बिहार में कुल मिलाकर 532 डाकघरों में इसे खोलने की योजना भी बनाई जा रही है। इन डाकघरों में बिजली बिल, गैस, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन, छात्रवृत्ति, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर रेलवे का टिकट बुक करा सकेंगे, यानी सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगे। इसके लिए सीएससी, ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया और डाक विभाग के बीच एमओयू हुआ है। पटना के बुद्धा स्मृति पार्क में सारनाथ के तर्ज पर खोला जाएगा तिब्बती अध्ययन केंद्र। बुद्धा स्मृति पार्क में जल्द ही सारनाथ के तर्ज पर एक तिब्बती अध्ययन केंद्र खोला जाएगा। इसमें तिब्बती संस्कृति एवं महात्मा बुद्ध पर आधारित शिक्षाओं का अध्ययन कराया जाएगा। मुख्यमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में गठित की जा रही इस समिति में बुडको एवं पटना विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि विशेष रूप से शामिल किए जाएंगे। शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों की माने तो जल्दी ही बिहार की यह समिति सारनाथ जाकर वहां के तिब्बती अध्ययन केंद्र का अध्ययन करेगी। राबड़ी काल में नियुक्त हुए शिक्षकों को नीतीश सरकार में हटाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं। बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ शिक्षकों ने अपना मोर्चा खोल दिया है। बीते दिन अपनी मांग को लेकर हंगामा और प्रदर्शन करते उन्हें देखा गया है और वो सड़कों पर उतर गए हैं। सड़कों पर उतरे इन शिक्षकों ने बताया कि उनकी नियुक्ति तत्कालीन राबड़ी सरकार के कार्यकाल में हुई थी, लेकिन नीतीश सरकार ने उन्हें 3 साल बाद ही हटा दिया है, जिसके बाद से अब तक उनकी मांग को दूर नहीं किया गया है। इन शिक्षकों ने बताया कि हमारी नियुक्ति सारी अहर्ताओं को पूरा करने के बाद की गई थी, लेकिन हमें काम से हटा दिया गया, जिसके बाद से अब तक 50 से अधिक बार हमने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आवेदन दिया है, लेकिन आज तक सीएम ने हमसे मुलाकात करना जरूरी नहीं समझा। नए वित्तीय वर्ष में बिहार के सभी जीपीएफ ऑफिस को किया जाएगा बंद। नए वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर के पूरा वित्तीय प्रशासन नए स्वरूप में देखने को मिलेगा। इसके तहत सभी अनुमंडल और अन्य स्तर पर मौजूद तमाम उपकोषागार को बंद करने की पहल पहले से ही चल रही है, जिसके बाद अब सभी जिला भविष्य निधि कार्यालयों को बंद कर दिया जाएगा। इसमें कार्यरत जिला भविष्य निधि पदाधिकारी समेत अन्य सभी कर्मियों को जिला लेखा कार्यालय में समाहित कर दिया जाएगा। राज्य के सभी 11 जिलों में जिला जीपीएफ पदाधिकारी तैनात है और 27 जिलों में जीपीएफ कार्यालय मौजूद है। बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही बात। मंत्रिमंडल को लेकर लगाए जा रहे कयास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद पूर्ण विराम लगा दिया है, जिसके तहत पटना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण कार्य के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि भाजपा की ओर से अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जब लगेगा मंत्रिमंडल विस्तार के लिए तभी इस पर कोई बातचीत होगी। फिलहाल कोई बातचीत नहीं हुई है। अगले 5 साल में सरकार के कामों की योजना बनाई गई है, उस पर कैबिनेट में ही निर्णय लिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मिली जीत के बाद नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सरकार का गठन हुआ था। इसके बाद से ही लगातार मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बयानबाजियों का दौर जारी था। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज है। 1903 में मुंबई का ताजमहल पैलेस होटल मेहमानों के लिए खोला गया था। 1971 में आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर सहमति के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान में पृथक होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना था। 2013 में वर्षों की कमी के बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि आर्कटिक समुद्री बर्फ का विस्तार और मात्रा में पुनर्जन्म आज ही के दिन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हुए रोहित शर्मा। भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर जाने को लेकर लगाए जा रहे कयास पर पूर्ण विराम लग गया है, जिसके बाद रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के लिए बीते दिन रवाना हो गए हैं और अब रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले टेस्ट सीरीज में खेलते नजर आने वाले हैं। सीरीज का पहला मुकाबला 17 दिसंबर को एडलेड में गुलाबी गेंद से खेला जाएगा। एक सूत्र ने एएनआई को बताया है कि रोहित ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए हैं। वो दुबई होते हुए ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। वो अपने क्वारंटीन समय के दौरान अपनी फिटनेस पर काम करेंगे। आपको बता दें, आईपीएल के 13वें सीजन के दौरान रोहित चोटिल हो गए थे, जिसके बाद ही वो मैदान से बाहर चले रहे थे। स्मार्टफोन की कम बैटरी से नहीं होना होगा परेशान। क्या आप भी स्मार्टफोन को बार बार चार्ज करने से परेशान हो चुके हैं? कई बार तो कुछ जरूरी काम के दौरान भी हमारे स्मार्टफोन की बैटरी ऐसे समय पर खत्म हो जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि फोन की सेटिंग्स में कुछ बदलाव करने पर आपको इस समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकती है? यहाँ हम आपको कुछ टिप्स और सेटिंग्स बता रहे हैं, जिसके जरिए आप स्मार्टफोन की बैटरी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपके स्मार्टफोन की बैटरी खत्म होने वाली है और आप चार्ज करने की स्थिति में नहीं है, ऐसे समय के लिए
फोन में कुछ खास फीचर्स दिए गए हैं। आप अपने फोन में मौजूदा बैटरी सेवर फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सलमान खान के गाने पर मौनी रॉय का डांस सोशल मीडिया पर कर रहा है ट्रेंड। कोरियोग्राफर पुनीत पाठक ने हाल ही में गर्लफ्रेंड निधि सिंह से शादी की है। रिसेप्शन पार्टी में बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई बड़े स्टार्स शामिल हुए। मौनी रॉय का एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर इसी दौरान का ट्रेंड कर रहा है। वो कोरियोग्राफर शक्ति मोहन संग सलमान खान के सॉन्ग प्यार दिलों का मेला है पर डांस करती नजर आ रही है। मौनी रॉय के डांस मूव्स काफी दमदार और सिजलिंग नजर आ रहे हैं। वहीं उनके फैंस भी उनके इस डांस स्टाइल पर खूब कॉमेंट करते नजर आ रहे हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 15 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,200 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,200 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 64,150 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 86.42 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 76.19 रुपए प्रति लीटर था। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से यूजर ने हमारे सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है इंग्लिश नेशन, असलम राज, उजाला चौधरी, रेखा रॉय, राहुल कुमार, बलराम कुमार, लक्ष्मण सिंह, अविराज दास, रेखा रॉय, रोहित कुमार यादव, रंजीत कुमार, अजीत कुमार, आतिक खान, श्वेता रॉय, प्रीति कुमारी, सचिन कुमार, संदीप कुमार यादव, कृष्ण मुरारी यादव, सोनवंशी सेठी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार विपक्ष द्वारा एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चलने के आरोप पर आपकी क्या राय है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।